हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं मिल पाया और ना ही पेंशनकारियों को पेंशन मिल पाई। सोमवार को 2 तारीख बीतने के बाद भी वेतन और पेंशन न मिलने से कर्मचारी और पेंशन परेशान है। कर्मचारियों को वेतन 5 सितंबर को ही मिलना सकता था, जबकि पेंशनकारियों को पेंशन उसके बाद दी जाएगी। हालांकि वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार से वेतन और पेंशन का भुगतान 5 सितंबर या इसके बाद कर दिया जाएगा। कर्ज लेकर वेतन देने और इस पर पड़ने वाले ब्याज पे बचने के लिए ये वित्तीय प्रबंधन किया गया। हालांकि बिजली बोर्ड, एमसी शिमला व एचपीयू के कर्मचारियों और पेंशनकारियों को वेतन पेंशन सोमवार को दे दिया गया। 1 सितंबर को रविवार था, जो स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों पेंशनकारियों को लग रहा था कि वेतन पेंशन सोमवार के खाते में आ जाएगा। वेतन और पेंशन देने को लेकर सरकार की ओर से किसी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, मगर वित्त विभाग के सूत्रों को कहना है कि महीने कर्ज लेकर वेतन पेंशन देने की प्रथा को स्थगित करने के लिए ऐसा किया गया। कर्ज लेकर अगर समय पर वेतन और पेंशन दिए जाते तो सरकार को 3 करोड़ रुपए महीने का ब्याज देना पड़ता, यानी 1 साल के 36 करोड़ रुपए ब्याज में देने पड़ सकते थे। 5 सितंबर को केंद्र करों पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, उससे भी वित्त प्रबंधन किया जाएगा। 1 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। राज्य में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के मद्देनजर ही मंत्रियों और विधायकों का वेतन और भत्तों को 2 महीने आगे विलंबित किया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की हालत आर्थिक आपातकाल जैसी है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशनकारियों को पेंशन नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि समय पर वेतन जारी किया जाए। वेतन 2 तारीख को भी जारी न करने से लेकर कर्मचारियों को बैंकों की किस्तों में और अन्य खर्चों को निकालने की चिंता सताने लगी। ज़्यादातर कर्मचारियों ने बैंकों से तरह के लोन लिए हैं, जिन्हें किस्तों में 2-5 तारीख को भरनी होती हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह न आने का मामला मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हरिलाल वर्मा ने मुद्दे को प्रदेश सरकार पर उठाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में वेतन पेंशन संबंधित खर्चों पर सालाना 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इनमें हर महीने लगभग 2,000 से 2,200 करोड़ रुपए वेतन, पेंशन, अन्य भत्तों आदि पर ही व्यय कर जाते हैं। कर्ज के मूलधन और ब्याज पर ही सालाना 10,000 करोड़ व्यय किए जाते हैं। विकास के लिए कुल बजट का 40% से कम पैसा बचता है। राज्य सरकार ने अपने तमाम स्रोतों में 18,739.39 करोड़ रुपए इस साल आमदनी के रूप में जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष 15,100.69 करोड़ राज्य ने टैक्स और 3,638.70 करोड़ गैर करों के आमदनी लक्षित की। करों के केंद्रीय हस्तांतरण से हिमाचल को 18,141.47 करोड़ मिलने की संभावना कही गई है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।